वेलकम टू ऑल, मैं हूँ केरला के एलेपी शहर में और मैं यहाँ पे रुका हुआ एक हॉस्टल में जो मुझे पड़ा है 150 रुपीज़ में। तो करते हैं इसका टूर, क्या देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है। राइट हैंड साइड पे रिक्शा स्टैंड है, जैसे ही उतरते ऑटो पकड़ो और जहाँ पे जाना है वहाँ पे जाके एक्सप्लोर करो। यहाँ पे स्कूटी हायर कर सकते हो जो यहाँ पे लगी हुई है ऑलरेडी। तो चलते हैं हॉस्टल के अंदर। तो यहाँ पे डॉग्स बहुत सारे हैं बट सरप्राइजिंगली कोई भी भौंकता नहीं है, काटता नहीं है, कुछ नहीं करता है, सब शांत है। तो यहाँ का ये है गेट, ये हम आ गए अंदर। ये मेरे सामने रिसेप्शन, यहाँ पे आके हमें चेक इन चेक आउट जो भी है वो करना है, आउटसाइड में ही है। यहाँ पे सब हेलमेट्स वगैरह रखे हैं। ये है कैफ़े हॉस्टल में, ये एक छोटा सा कैफ़े है। ये है पार्किंग एरिया, कार स्कूटीज़ वगैरह जो है वो यहाँ पे लगा सकते हैं। सिटिंग एरिया, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या है। ये मैं आ गया ऊपर, यहाँ पे है कॉमन सिटिंग एरिया, गो स्टॉप एलेपी। हॉस्टल का नाम है गो स्टॉप। तो अंदर आने के बाद ये है ओवरऑल सिटिंग एरिया, कॉमन एरिया। यहाँ पे बैठ के चिल कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, वाईफाई भी अवेलेबल है, सेल्फ सैनिटाइजेशन जोन। सो यहाँ पे कैरम, चेस एंड ऑल, टाइम पास के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। तो चलते हैं बाहर। जिप इट कीप इट लो। तो यहाँ पे स्मोकिंग एरिया, यहाँ पे बैठ के स्मोक कर सकते हैं। तो यहाँ पे नीचे कोई रहने की नहीं है, ऊपर सारे रूम्स है। तो ये है यहाँ पे हम कहाँ पे घूम सकते हैं, क्या एक्सपीरियंस कर सकते हैं, प्लेसेस टू विज़िट और आसपास के किलोमीटर में क्या क्या है वो है। फुटबॉल और गोस्ट ऑफ कहाँ कहाँ पे उसके ब्रांचेस है ये यहाँ पे दिया है, ये तो कम ही है, वैसे बहुत जगह पे अभी ये ओपन हो चुका है। नीचे है किचन एंड स्टाफ के रहने के लिए जगह, ऊपर है डोम्स। तो देखते हैं, वैसे 8 बेड का डोम है, एक लेडीज़ के लिए अलग से है, जेंट्स के लिए अलग से है। सो लेट्स सी, ये हम आ गए हैं ऊपर। ये है ओवरऑल लुक, ये है फर्स्ट रूम, ये है सेकेंड रूम। सारा एक एक डोम 8-8 बेड्स का है, ड्रग्स प्रोहिबिटेड। ये है बालकोनी, यहाँ से हमें व्यू दिख रहा है नीचे का, पार्किंग गेट, वेरी रिफ्रेशिंग। मॉर्निंग में शूट कर रहा हूँ तो बुरा रिफ्रेश लग रहा है। यहाँ पे इतनी शांति है कि बहुत अच्छा लगता है। मैं यहाँ पे 3 दिन के लिए था, जैसे कि मैंने कहा मेरे को ये पर डे 150 रुपीज़ का पड़ा था। तो चलते हैं डोम के अंदर और देखते हैं कैसे है बेड्स। सो ये है ओवरऑल लुक। आगे जो डोर है वहाँ से हम बालकोनी का एक्सेस कर सकते हैं। तो अभी मैं आ गया हूँ रूम के बाहर कुछ मिरर सेल्फीज़ लेने। सो बाय द वे, ये हॉस्टल मैंने booking.com से बुक किया था। तो अगर कोई और क्वेश्चंस हो तो मुझे कमेंट्स में भी पूछ सकते हो। अगर वीडियो पसंद आया हो, कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक ज़रूर करना।